हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जूनियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। राजस्थान प्रदेश में पीटीईटी एग्जाम फोरम डेट को लेकर काफी बड़ी अपडेट सामने आ रही है। इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं, साथ ही मैं आपको बताऊंगा पीटीईटी एग्जाम डेट कब तक आपकी हो सकती है और इसके अलावा कैसे आप तैयारी करें, क्या सिलेबस होगा और कब तक आपकी एग्जाम होगी। इन सभी मुद्दों पर चर्चा करने वाला हूं, तो पेशेंस बना के वीडियो का एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप सभी को पता है कि जो आपका फोरम डेट था पीटीटी का, वो 20 जून था, 20 जून तक एक्सटेंड हो गया था, उसके बाद पोर्टल बंद हो गया। अब वापस से आप जो है फॉर्म भर सकते हैं, लास्ट डेट को एक्सटेंड कर दिया है 6 जुलाई तक। तो जिस भी विद्यार्थी ने अभी तक पीटीटी का फॉर्म नहीं लगाया है, जो सपना संजोग रहा है, जिसको कॉलेज में एडमिशन लेना है, बीएड करनी है, 2 वर्षीय बीएड करनी है, 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड, इंटरग्रेटेड कोर्स करना है राजस्थान में किसी भी कॉलेज से, तो आपको पीटीटी एंट्रेंस का फॉर्म लगाना होगा। तो जिसने अभी तक फॉर्म नहीं लगाया, किसी भी कारणवश फॉर्म नहीं लगा पाया है, तो यहां पर सरकार ने एक और आपको मौका दिया है, तो आप यहां पर फॉर्म फिल कर सकते हैं। 6 जुलाई आपके फॉर्म की लास्ट डेट है। तो जिसने भी पीटीटी का फॉर्म यहां पर नहीं लगाया है, वो बच्चा पीटीटी का फॉर्म लगा सकता है, 6 जुलाई लास्ट डेट कर दी है। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहता हूं कि पीटीटी की जो एग्जाम है, वो आप सभी को बताया कि 15 मई को होने वाली थी, कोविड-19 के चलते इसकी एग्जाम डेट पोस्टपोन हो गई और अभी तक इसकी एग्जाम डेट नहीं आई है, क्योंकि और सभी एग्जाम डेट भी जैसे कॉलेज की एग्जाम या अन्य एग्जाम भी नहीं हो पाई है। तो जैसे ही आपकी कॉलेज की एग्जाम होगी, उसके बाद में ही आपकी पीटीटी एग्जाम भी कंडक्ट होगी, क्योंकि पीटीटी की अगर हम बात करें तो एक तो 12th के बाद होती है, मतलब 12th के बाद वाले बच्चे इसका फॉर्म लगा सकते हैं, इसके अलावा कॉलेज फाइनल ईयर के बाद वाले बच्चे भी लगा सकते हैं। जो 2 वर्षीय बीएड होती है, वो कॉलेज के फाइनल ईयर के बच्चे करते हैं, और यहां पर जो 4 वर्षीय बीए बीएड या बीएससी बीएड होती है, वो 12th के बाद करते हैं। तो यहां पर 12th की एग्जाम भी कैंसिल हो गई, बच्चों का रिजल्ट आने वाला है, तो उसके बाद ही जो है एग्जाम को यहां पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मे बी एग्जाम कब तक हो सकती है, सितंबर मंथ में, सितंबर मिड के अंदर आपकी एग्जाम के चांस बन रहे हैं, तब तक आप तैयारी करते रहें। तो अगर आप पीटीटी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी को पता है स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स, इसके अलावा जनरल साइंस का काफी बड़ा जो है यहां पर पोर्शन होता है, लगभग 50 क्वेश्चन आपके आते हैं। तो मैं खुद एसएससी कैटेगरी में पढ़ा रहा हूं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, तो आप मुझसे पढ़ सकते हैं, शानदार अवसर है, आपको पता है फ्री लाइव क्लास मेरी रहती है। तो आप मुझसे अनअकैडमी पर कैसे जुड़ सकते हैं, आपको अनअकैडमी जुड़ने के लिए सबसे पहले प्ले स्टोर से अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करना होगा, उसे रजिस्टर करें, साइन इन करें अपने मोबाइल नंबर से, उसके बाद में जो है आप कैटेगरी सेलेक्ट करें, एसएससी कैटेगरी में मैं पढ़ा रहा हूं एसएससी एग्जाम में, तो आप सेलेक्ट करें, उसके बाद फ्री लाइव क्लास में जाएं और मेरा नाम सर्च करें अरविंद कुंडारा, प्रोफाइल पर फॉलो कर लें, और अभी मेरी क्लास है सुबह 8 बजे, उसको ले सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में क्लास का लिंक है, क्लास पे क्लिक करो लिंक पर और अनलॉक कोड लगाओ Genuine10, GENUINE10 अनलॉक कोड लगाओ, क्लास ओपन हो जाएगी, क्लास में आ सकते हैं, रेगुलर में वहां पर पढ़ा रहा हूं। तो जिसने अब तक फॉर्म फिल नहीं करा है, वो बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है पीटीटी का। अगर आपका सपना है टीचर बनने का, आपका सपना है कि बीएड करूं उसके बाद में टीचिंग की तैयारी करूं, तो आप लोग अभी भी एक और अवसर दिया है सरकार ने, तो 6 जुलाई तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे हैं, फीस सब आपको बताई है। तो अब जिसने अब तक फॉर्म फिल नहीं किया है, वो जाके फॉर्म फिल करें। धन्यवाद।